नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी RPF आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्विटर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, RPF जिसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपकी लास्ट 2018 में आई थी, अब ये वैकेंसी इस साल आपकी आने वाली है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें आपकी दो पोस्ट निकलती हैं। पहली होती है आपकी कॉन्स्टेबल की और दूसरी होती है दोस्तों आपकी SI की, सब इंस्पेक्टर की। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसमें कितनी पोस्ट आपकी आ सकती हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल में आपकी लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी और SI में दोस्तों लगभग आपकी SI में लगभग दोस्तों आपकी 2,000 के करीब वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों, आपकी टोटल वैकेंसी लगभग 12,000 के आसपास आपकी वैकेंसी इसमें आने वाली हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके एज। तो दोस्तों, जो कांस्टेबल है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स और SI के लिए जो आपकी एज है दोस्तों वो है 20 to 25 ईयर्स। और ये जो एज है दोस्तों वो आपकी 1 July 2022 के अकॉर्डिंग ली जाएगी। और बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो कांस्टेबल के लिए आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन 12th पास चाहिए और SI के लिए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब दोस्तों बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहता है। तीन सब्जेक्ट आते हैं दोनों एग्ज़ाम्स में। फर्स्ट रीजनिंग, जिसके आपके क्वेश्चन होते हैं 35। दूसरा आपका होता है मैथ, जिसके की होते हैं आपके 35 क्वेश्चंस। और तीसरा होता है आपका GK, जिसके कि आपके होते हैं 50 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों आपके 120 और टोटल मार्क्स भी दोस्तों आपके होते हैं 120। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/3 की होती है और टोटल टाइमिंग जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है 90 मिनट्स, 1.5 घंटा आपको पूरे एग्ज़ाम को करने के लिए मिलता है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये आपका। और दोस्तों, इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है कि पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा CBT, दूसरा आपका फिज़िकल होगा PSTN PET और थर्ड आपका मेडिकल और फोर्थ आपकी फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों बात करें इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी। दोस्तों, इसको जो नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अक्टूबर मंथ में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शायद दिसंबर से लेकर जनवरी तक फिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपकी नेक्स्ट ईयर फिल की जाएगी, लेकिन कल नोटिफिकेशन आपका इसी साल के लास्ट में आ जाएगा। तो आप सभी के इस वैकेंसी के लिए जो वेट कर रहे थे उन सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये वैकेंसी आपको अक्टूबर में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।